हेलो गाइस, मैं हूं रोहित। आपका अपना ऑटो चैनल में स्वागत है। ये चैनल हमने इसलिए बनाया है कि इंडिया के हर एक व्यक्ति को हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में, पुरानी और नई टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से बता सके। हम इस चैनल के हर एक कंपनी में, जैसे कि हीरो, होंडा, बजाज, सुजुकी, यामाहा, टीवीएस एक्सेट्रा, उन कंपनियों के उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी और फीचर्स, अभी के लेटेस्ट फीचर्स क्या है और कंपैरिजन क्या है और डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपने हमारी ऑटो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और नीचे घंटी का बटन दबाना मत भूलना, ओके। हम आज के ये वीडियो में BS6 और BS4 स्प्लेंडर के दोनों के कंपैरिजन के बारे में हम बताना चाहते हैं। हम सबसे पहले बताएंगे कि जो BS6 FI का स्टिकर आता है वो BS4 की जो स्प्लेंडर थी उसके कंपैरिजन में अलग था। आप देख सकते हैं कि जो BS6 का स्टिकर है वो भी अभी जो BS4 की जो गाड़ी है उसके स्टिकर में कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग है, ओके। और दूसरा चेंजेस आया है BS6 के मॉडल में सेंसर का। ये जो आप देख रहे हैं, ये BS6 में नया सा सेंसर आया है, उसको हम ऑक्सीजन सेंसर कहते हैं, जो पुरानी हमारी BS4 जो बाइक थी उसमें नहीं था। और दोनों को स्पीडोमीटर तो मोस्ट ऑफ ली सेम ही है, सिर्फ एक चीज़ उसमें डिफरेंस आती है, जो अभी BS6 FI की जो बाइक है उसमें मल्टी फंक्शन इंडिकेटर आता है। इस दोनों की बाइक के साइलेंसर पहले के जैसे ही सेम है, लेकिन किंतु परंतु एक छोटा सा चेंजेस है, जो BS6 FI की जो नई बाइक है उसमें कैथोलिक कवर लगाया हुआ है, जिससे पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं, राइट। जो BS4 में नहीं है, जो BS4 में पहले नहीं था। इसके साथ ही रियर ब्रेक पैंडल में कंपनी ने एक छोटा सा हुक लगाया है, जो हम आगे ब्रेक मारते हैं वहाँ पे छोटा सा हुक लगाया है, जिससे आपका पैर ब्रेक मारते समय इंजन और कैथोलिक कवर को टच ना हो पाए, जो हमको BS6 टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा।